ये आता है मल्टीपल मैसुरेशन में, डबल मैसुरेशन एंड ट्रिपल मैसुरेशन। कल हमने इसी का पार्ट देखा था, सिंपल मैसुरेशन एंड मैसुरेशन विद एडजस्टमेंट। तो आज हम देखेंगे डबल मैसुरेशन एंड ट्रिपल मैसुरेशन। तो इसमें क्या करते हैं, डबल मैसुरेशन में जो मेंस्ट्रम जितनी क्वांटिटी में यूज होने वाला है, या फिर मेंस्ट्रम के लिए जितना एक्सट्रैक्शन के लिए जितना मेंस्ट्रम लग रहा है, उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। देन जो ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना है वो पूरा ड्रग प्लस वन पार्ट ऑफ मेंस्ट्रम, जहाँ पे हमने दो पार्ट इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड किया था मेंस्ट्रम को, तो उसमें से एक पार्ट होल ड्रग के साथ लेना है। उसके बाद उसे मैसरेट करना है 48 आवर्स के लिए, यानी उसको उसी के साथ मेंस्ट्रम और ड्रग को 48 आवर्स के लिए रखना है। देन 48 आवर्स रखने के बाद उसको जो लिक्विड है उसको स्ट्रेन करना है, और जो मार्क रहेगा उसे प्रेस करना है। ये हो गया आपका L1। देन फिर जो मार्क बचा हुआ है उसको फिर से मैसरेट करना है। जो यहाँ पे एक पार्ट बचा हुआ था, एक पार्ट हमने पहले भी लिया था, और दूसरा पार्ट जो बचा था उसके साथ आपको जो पार्ट बचा है उसके साथ मार्क को मैसरेट करना है फॉर 24 आवर्स के लिए। ये यहाँ पे करना है पहला 48 आवर्स के लिए, और दूसरा जो है उसे करना है 24 आवर्स के लिए। देन 24 आवर्स के बाद जो लिक्विड है उसे स्ट्रेन करना है और मार्क को प्रेस करना है। ये हो गया आपका L2, ये हो गया आपका पहला L1, और ये जो दूसरा है ये L2। देन उसके बाद दोनों को मिक्स करना है, L1 और L2 को। देन इसे ये दोनों लिक्विड को मिक्स करने के बाद इनको रखना है 14 डेज के लिए। 14 डेज के बाद उसे फिल्टर करना है, और बाकी जो भी जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसको जहाँ पे यूज करना है उसके लिए वो रेडी रहेगा। देन ट्रिपल मैसुरेशन में क्या है, जैसे डबल मैसुरेशन में टू पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे ट्रिपल मैसुरेशन में जो मेंस्ट्रम यूज होने वाला है, जितनी उसकी क्वांटिटी लगने वाली है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रखना है। देन होल ड्रग प्लस वन पार्ट ऑफ मेंस्ट्रम, तीन पार्ट में से पहला पार्ट होल ड्रग के साथ लेना है, और उसे एक घंटे तक एक आवर के लिए उसको मैसरेट करना है। देन उसके बाद वो लिक्विड को स्ट्रेन करना है। ये हो गया आपका L1। उसके बाद जो मार्क बचा हुआ था, मार्क को फिर से मैसरेट करना है, जो सेकंड पार्ट था मेंस्ट्रम का उसके साथ, उसे भी एक आवर के लिए या एक घंटे के लिए उसको मैसरेट करना है विद सेकंड पार्ट ऑफ मेंस्ट्रम। देन एक घंटे के बाद जो वो लिक्विड को स्ट्रेन करना है। देन जो मार्क बचेगा उसे फिर से मैसरेट करना है, इसमें से जो तीसरा पार्ट बचा हुआ था मेंस्ट्रम का उसके साथ। देन उसे भी एक घंटे के लिए ही रखना है। देन स्ट्रेन द लिक्विड, जो लिक्विड आएगा उसे स्ट्रेन करना है, और जो मार्क बचा है उसे प्रेस करना है। लेकिन पहले के जो दो पार्ट थे उसमें जो मार्क है उसे प्रेस नहीं करना था, लेकिन जो तीसरा लिक्विड स्ट्रेन करने के बाद उसका मार्क प्रेस करना है। देन अभी हमें तीन लिक्विड मिल गई, L1 L2 एंड L3। इसमें से जो L2 और L3 है इसे कंबाइन करना है, L2 और L3 को कंबाइन करना है और उसे इवेपोरेट करना है कुछ एक्सटेंड तक, उसे यानी जितना भी पोर्शन आएगा उसको इवेपोरेट करने के बाद, एक एक्सटेंड तक उसको इवेपोरेट करने के बाद जो लिक्विड बचेगा उसके साथ जो L1 का लिक्विड था उसे मिक्स करना है। यहाँ पे जो इवेपोरेट करने के बाद जो लिक्विड आएगा उसको मिक्स करना है जो L1 का लिक्विड था उसके साथ। देन उसमें अभी जितनी भी क्वांटिटी हुई होगी उसकी, कितना भी ml होगा, तो उसकी 1/4 क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हमें मिली होगी इवेपोरेट करने के बाद और L1 मिक्स करने के बाद, उसका जितना क्वांटिटी आया होगा उसमें 1/4 क्वांटिटी ऑफ 90% अल्कोहल मिक्स करना है। देन उसके बाद जितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम मेकअप करना है विद वाटर के साथ। फिर इसमें है
वाटर के साथ वॉल्यूम मिक्सअप करना है, देन उसे 14 डेज के लिए रखना है एंड देन फिल्टर करना है। ये हो गया ट्रिपल मैसरेशन। तो आज हमने देखा डबल मैसरेशन है, ट्रिपल मैसरेशन। डबल मैसरेशन में दो पार्ट्स में मिश्रण को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, देन होल ड्रम को पहले पार्ट के साथ मैसरेट करते हैं 48 आवर्स के लिए, 48 घंटे के लिए उसको मैसरेट करते हैं। देन जो स्ट्रेन है, तो जो स्ट्रेन द लिक्विड है, लिक्विड को स्ट्रेन करते हैं एंड प्रेस द मार्क, मार्क को प्रेस करते हैं। ये हो गया आपका L1। देन अगेन जो मार्क बचा है उसको अगेन मैसरेट में फिर से मैसरेट करते हैं विद रिमेनिंग सेकंड पार्ट। इसमें से पहला पार्ट यहाँ पे लिया था और दूसरे पार्ट का जो लिक्विड है उसके साथ मार्क को मैसरेट करते हैं फॉर 24 आवर्स के लिए। देन 24 आवर्स होने के बाद जो लिक्विड है फिर से स्ट्रेन करते हैं और जो मार्क है उसे प्रेस करते हैं। ये हो गया आपका L2। फिर L1 और L2 को मिक्स करने के बाद उसे रखते हैं 14 डेज के लिए, कोई तो 14 डेज होने के बाद उसको फिल्टर करते हैं। देन ट्रिपल मैसरेशन में क्या है कि जो मेंस्ट्रम है उसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। देन जो होल ड्रग है, जिस ड्रग का हमें मैसरेशन करना है उसे पूरा लेने के बाद जो पहला पार्ट है मेंस्ट्रम का उसके साथ रखते हैं 1 आवर के लिए। 1 घंटे के बाद जो लिक्विड है उसे स्ट्रेन करते हैं और मार्क जो मार्क बचता है उसे फिर से मैसरेट करते हैं जो सेकंड पार्ट ऑफ मेंस्ट्रम है उसके साथ, फिर से 1 घंटे के लिए उसे मैसरेट करते हैं। देन फिर से वो जो लिक्विड है उसे स्ट्रेन करते हैं, स्ट्रेन करने के बाद मार्क बचेगा, मार्क को फिर से मैसरेट करते हैं थर्ड लिक्विड के साथ, जो थर्ड पार्ट बचा हुआ था मिश्रण का उसके साथ। ये हो गया आपका पहला वाला L1, ये दूसरा L2, और अभी जो तीसरा पार्ट के साथ मैसरेट करने वाले किया है तो उसका लिक्विड स्ट्रेन करने के बाद उसका मार्क जो है उसे प्रेस करना है। पहले तो लिक्विड में मार्क प्रेस नहीं करना है, लेकिन तीसरा जो लिक्विड के साथ मैसरेट होगा उसे मार्क को प्रेस करना है। ये हो गया आपका L3। देन L2 और L3 को कंबाइन करके उसे इवेपोरेट करना है, कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक उसको इवेपोरेट करना है। देन उसके साथ जो इवेपोरेटेड लिक्विड है उसके साथ जो L1 का लिक्विड मिला था या स्ट्रेन मिला था उसके साथ ये कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद जितना भी क्वांटिटी होता होगा उसका इवेपोरेटेड लिक्विड एंड L1 का, देन उसके साथ 1/4 क्वांटिटी, उसके 1/4 क्वांटिटी ऑफ 90% अल्कोहल उसमें ऐड करना है, 1/4 क्वांटिटी ऑफ 90% अल्कोहल उसमें ऐड करना है। देन उसका जितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा उसको एडजस्ट करना है वाटर के साथ, रिक्वायर्ड वॉल्यूम को एडजस्ट करना है वॉल्यूम के साथ। देन ये लिक्विड को 14 डेज के लिए स्टैंडबाय पे रखना है, देन आफ्टर 14 डेज उसे फिल्टर करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।